हेलो गाइस, वेलकम टू एपिड लीक्स। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन। ओके, अगर आपको विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन आपने सीख लिया, देन यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस ऑल्सो फॉर विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन। अभी विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन का यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड में हमेशा ये जो है ना मार्केट हमेशा अवेलेबल रहता है, एंड ऑल ओवर वर्ल्ड में विजिटिंग कार्ड जो है ना वो इसका बहुत अच्छा डिमांड है। तो आप घर बैठे ही ये काम कर सकते हो, एंड आप ऑर्डर्स जो है ना वो ऑल ओवर वर्ल्ड से आप ये रिसीव कर सकते हो। बट उसके लिए आपको जो है ना पहले जो डिज़ाइन है वो आपको सीखना पड़ेगा, हाउ टू डू दैट। ठीक है, तो मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है, सर्च में जाना है आपको कैनवा में, एंड यहाँ पे आपको VISITING विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन, ये हो गया बिजनेस कार्ड। ओके, बिजनेस कार्ड स्क्वायर एंड पोर्ट्रेट, ज़्यादातर लोग पोर्ट्रेट को यूज़ करते हैं। एंड कैनवा में आप विजिटिंग कार्ड का आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस भी आ जाते हैं। ओके ओके, ये हो गया पोर्ट्रेट। सॉरी, आपको जो है ना यहाँ पे पोर्ट्रेट वाला नहीं चाहिए, आपको चाहिए लैंडस्केप वाला चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हो गया विजिटिंग कार्ड, ये हो गया आपका स्क्वायर, हो गया पोर्ट्रेट, हो गया ये। तो यहाँ पे मैं बिजनेस कार्ड लिख देता हूँ, बिजनेस कार्ड। सो बिजनेस कार्ड लैंडस्केप, तो आपको लैंडस्केप वाला चाहिए, तो आपको रेक्टेंगल शेप का जो आता है ना, ये वाला शेप आएगा। ओके, सो फॉर एन एग्जांपल मैं इसमें ले लेता हूँ ये वाला डिज़ाइन। ओके, ये वाला इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देयर आर सो मैनी ब्यूटीफुल डिज़ाइंस इन कैनवा। ओके, एंड यू कैन क्रिएट डिज़ाइंस इन कैनवा, आप डिज़ाइन को क्रिएट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप पहले चेक करो कि आपको डिज़ाइन किसके लिए बनवाना है। डिज़ाइन अगर पर्टिकुलरली किसी अलग अलग नीच के लिए आपको क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एज लाइक कि यहाँ पे डिज़ाइन हो गया, एंड आप यहाँ पे फॉर होटल्स, होटल बिजनेस कार्ड, तो यहाँ पे होटल बिजनेस कार्ड का यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ पे। एंड अगर आपको अलग चाहिए, यहाँ पे हो गया आपका प्रॉपर्टी बिजनेस कार्ड्स, तो इस तरीके से आपको जो है ना यहाँ पे मैं ये जो दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के हिसाब से दिखा रहा हूँ, जो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे दो पेजेस है, देन आई विल एड अप्लाई बोथ पेजेस। ओके, सो यहाँ पे ये आ गया। अभी मुझे यहाँ पे अगर कलर्स चेंज करने हैं, देन आई कैन डू कलर चेंज टू अदर्स लाइक ब्लैक। ओके, अगर मुझे नहीं चाहिए चेंज करना है, देन आई कैन गो टू चेंज, अब अंडू कर दूंगा यहाँ पे। अगर मुझे ये वाला लोगो नहीं चाहिए तो इसको मैं हटा दूंगा, एंड आई विल क्रिएट अ न्यू लोगो। आई विल गो हियर ऑन द होम पेज, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं बैक टू होम करके आई विल सर्च फॉर लोगो डिज़ाइन। ठीक है, तो मैं प्रॉपर्टी के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, तो प्रॉपर्टी लोगो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा। व्हाट आई विल डू, आई विल टेक द क्रिएट ब्लैंक। ओके, क्रिएट ब्लैंक में आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी यहाँ पे सर्च करना है, PROPERTY। तो आपको प्रॉपर्टी का बहुत सारे लोगो यहाँ पे मिल जाएगा, देन यू कैन कस्टमाइज इट ऑल्सो। तो ये हो गया आपका। ओके, आई विल टेक दिस वन। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे साइड कर दिया, ये वाला नाम चेंज कर दिया, इसको भी मैंने हटवा दिया यहाँ से, इसको मैं रिसाइज भी कर सकता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको रिसाइज कर सकता हूँ। तो क्या करूँगा, इसको मैं अभी नाम लिख लूँगा यहाँ पे, लोगो सैम्पल। अगर आपको लोगो का कलर वगैरह चेंज करना है, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कलर आप चेंज कर सकते हो। आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस पर्पल, इस तरीके से। ठीक है,
एग्जाम्पल से मैं आपको दिखा रहा हूँ, एंड इसको मुझे भी डाउनलोड करना है, लेकिन बैकग्राउंड का मुझे जो है ना व्हाइट कलर बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए। व्हाट आई विल डू, आई विल गो हियर एंड मैं यहाँ पे डाउनलोड में क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। सो अगर आपके पास प्रो अकाउंट नहीं है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आई कैन प्रोवाइड यू अ प्रो अकाउंट, ओके। सो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड में कर लेता हूँ इसको, क्योंकि बैकग्राउंड रिमूवल का ऑप्शन जो है ना वो सिर्फ प्रो में अवेलेबल है, बहुत सारे फीचर्स जो है ना वो सिर्फ प्रो में अवेलेबल है, ओके। सो यहाँ पे ये हो गया फेल्ड, देयर इज ओनली वन इमेज, ओके। यहाँ पे आपको कुछ लिखना पड़ेगा, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट में, हेडिंग लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर मुझे नहीं चाहिए तब भी मैं क्या करूँ, क्योंकि ये कैनवा का यहाँ से डिज़ाइन है तो ओनली वन डिज़ाइन से नहीं होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सैम्पल, ठीक है। देन व्हाट आई विल डू, आई विल डिज़ाइन, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि मैं सैम्पल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ से कट करने वाला हूँ इसको, सिर्फ मुझे लोगो चाहिए, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मैंने कर लिया है, डाउनलोड मैंने यहाँ पे कर लिया है, ठीक है, अब ये डाउनलोड हो जाएगा। अभी तक 1000 डिजाइन कर चुका हूँ यहाँ पे, इसीलिए ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यू हैव क्रिएटेड मोर देन 1000 डिजाइन हियर, तो मैंने 1000 डिजाइन कंप्लीट कर लिया आज ये डिज़ाइन के साथ। सो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, देन आई विल गो टू जहाँ पे मैं इसका डिज़ाइन बना रहा था, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लोगों का जो मैंने डिज़ाइन मैंने किया था अभी डाउनलोड, उसको मैं अपलोड करूँगा। पहले यहाँ पे अपलोड फाइल्स में जाऊँगा, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, देन मैं यहाँ पे लोगो सैंपल को मैं डाउनलोड कर लूँगा पहले, इसको डाउनलोड कर लिया मैंने और इसको यहाँ पे मैं ला चुका। अभी जो सैंपल मैंने लिखा था इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा, अभी सैंपल गायब हो, ठीक है, ओके। सो इन दिस वे मैं अपना लोगो चेंज कर सकता हूँ। अभी ये जो है इसका मैं फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, इस तरीके से जो भी फॉन्ट मतलब आपको अच्छा लगे, यू कैन चेक हियर, ठीक है। एंड स्लोगन आपको कुछ भी देना है, यू कैन डू दैट। अगर मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, देन आई विल चेक द कलर, मैं इसको इस तरीके से चेंज कर सकता हूँ, और आई कैन डू दिस। अगर मुझे वो भी अच्छा नहीं लगा, देन आई कैन गो बैक, ठीक है। अगर मुझे इसका बैकग्राउंड डिलीट कर, कुछ अलग बैकग्राउंड करना है यहाँ पे लगवाना है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा फोटोज में, आई विल चेक फॉर बैकग्राउंड्स, आई कैन यूज दिस, और इसको मैं कर दूंगा, इसको मैं सिलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ पे थ्री डॉट्स में गया, यहाँ पे इसको इस तरीके से बैकग्राउंड इमेज मैंने कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कुछ भी यहाँ पे डिज़ाइन चेंज कर सकता हूँ, बैकग्राउंड इमेज चेंज कर सकता हूँ, और इसी सेम तरीके से मैं यहाँ पे सब कुछ एडिट भी कर सकता हूँ, फ़ोन नंबर्स ये सारे एडिट कर सकता हूँ, और आफ्टर दैट मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, आपको अगर साइज़ बड़ा चाहिए तो यहाँ से आप साइज़ को इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपके पास प्रो नहीं है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, एंड यहाँ पे इस तरीके से आप स्मॉल कर सकते हो डिज़ाइन को, ट्रांसपेरेंट चाहिए ट्रांसपेरेंट मिल जाएगा, और कंप्रेस फाइल मतलब लोअर क्वालिटी, ठीक है। इस तरीके से आप डाउनलोड करोगे तो PNG में डाउनलोड होगा, या तो JPG में आप डाउनलोड कर सकते हो, PDF में, SVG में, प्रिंट के लिए होगा तो PDF में आपको करना है इसको डाउनलोड, ठीक है। तो आज का जो सेशन है रिगार्डिंग द विजिटिंग कार्ड यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।